कितने साल हो गया लैंड टाने उखड़े? 3 साल। निर्मला मरावी के 7 एकड़ के खेत में 20 साल बाद फसल लहलाई है। 55 साल की निर्मला मध्य प्रदेश के मंडला जिले के मानिकपुर रैयत गांव की रहने वाली हैं। 2019 तक उनका खेत लेंटाना से अटा पड़ा था। इस खेत को जोतना तो दूर, घुसना भी मुश्किल था, लेकिन 2020 में लेंटाना हटने के बाद उन्हें जमीन के इस टुकड़े से कुछ अर्जित करने की आस जगी। लेकिन यह लेंटाना है क्या और यह कितनी बड़ी चुनौती है? दुनिया की 10 सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक है लेंटाना। प्राकृतिक तौर पर यह मैक्सिको से ब्राजील के आसपास पाई जाती है, लेकिन अभी यह दुनिया के 60 से अधिक देशों तक फैल चुकी है। लेंटाना स्थानीय जैव विविधता को खत्म कर तेजी से विस्तार करती है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे मंडला जिले के गांवों ने लेंटाना को नियंत्रित कर उससे खुद को और पर्यावरण को फायदा पहुंचाया। लेंटाना पौधों की एक आक्रामक प्रजाति है, जिसे करीब 200 साल पहले अंग्रेज सजावटी झाड़ी के रूप में भारत लाए थे। मौजूदा समय में यह 50% से अधिक जंगलों में अपनी पैठ बना चुकी है। मंडला जिले में इसका सघन फैलाव है। जिले की सामुदायिक, निजी और वन विभाग की भूमि पर लेंटाना बुरी तरह फैल चुकी है। नुकसान भरा हुआ था। इसमें जो है हमें 2-4 या 5 प्रकार के नुकसान होते थे। एक तो मवेशियों के लिए चारा नहीं मिलता था, दूसरा जो गारा होते थे, तीसरा जो जानवर, जंगली जानवर शुगर जो इसमें रह करके बाजू में जो खेत बाड़ियाँ हैं वहाँ पहुँच जाते थे, इनसे नुकसान होते थे। और चौथा चकोड़ा के जो है उतना बीज फैलाव रख रखाव नहीं, उसके लिए खाली जगह नहीं, उनसे भी नुकसान होते थे। इसी को देखते हुए गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी यानी FES ने 2012 में मंडला जिले के इंद्रावन गांव से लेंटाना उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया। शुरुआत में सामुदायिक जमीन से ही लेंटाना उन्मूलन हुआ, लेकिन जब लोगों ने इस जमीन से लेंटाना हटने के सुखद परिणाम देखे तो उन्होंने अपनी निजी ज़मीनों से भी लेंटाना हटाने की गुजारिश की। हमने 2020 में जब इस गांव में आए तो हमने देखा कि बहुत सारा जो इनका निजी ज़मीन है पूरा लेंटाना से भरा हुआ है। उसके बाद फिर गांव वालों से बात करके फिर हम लोगों ने फिर ऐसी योजना बनाई, फिर इन्हीं लोगों के साथ बैठ करके यहां पे हम लोग के माध्यम से एक समिति का गठन हुआ था। उसी समिति में सभी लोग बैठे, वहाँ पर वहीं पर इनका निर्णय होता है। इस तरह से इस गाँव में अगर बात कर रहे हैं अपन लेंटाना का, तो करीब 250 हेक्टेयर करीब में यहाँ पर लेंटाना का रजिस्ट्रेशन हुआ है। बिछिया ब्लॉक के बरखेड़ा गांव में कुल 77 हेक्टेयर वन विभाग की जमीन को लेंटाना मुक्त कराया गया है। 2018-19 में सबसे पहले 25 हेक्टेयर जमीन से यह काम शुरू हुआ। 2 हफ्ते तक चले इस काम में 103 लोग जुटे और उन्हें 185 रुपये दहाड़ी के हिसाब से मजदूरी दी गई। 25 हेक्टेयर जमीन से लेंटाना हटाने में कुल खर्च 2.25 लाख रुपये आया। इसके बाद 2022 में शेष 52 हेक्टेयर में यह पहल की गई। अब यह लेंटाना मुक्त भूमि 370 गौंड आदिवासी परिवारों के पशुओं को मुफ्त चारा मुहैया करा रही है। लेंटाना अगर हमने पिछले 2 साल से हमने यहाँ पर निकाला तो काफ़ी चारा मतलब मवेशियों को मिल पाया, गांव लोगों को मतलब तेंदुपत्ता यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिल पाया। तो पिछले 3 साल से मतलब तेंदुपत्ता का भी बढ़ोतरी हुआ। इसमें मतलब चारागाह है और विभिन्न प्रकार के जड़ी जंतर जो है मिल पा रहे हैं और लोगों को लघु वन उपज पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल पाया है। पूरे मंडला जिले में लेंटाना बहुत बड़ी चुनौती है। शायद ये भारत का पहला जिला है जहां से इतने बड़े पैमाने पर लेंटाना हटाई जा रही है। ये गांव अमझर गांव है जो मंडला जिले में आता है। यहां पिछले साल लेंटाना हटाया गया था और इस साल मोपिंग का काम चल रहा है। मोपिंग यानी लेंटाना हटाने के बाद जो नेक्स्ट ईयर जो थोड़ी बहुत जो लेंटाना आ जाती है उसको जो हटाते हैं उसे मोपिंग कहते हैं। ये प्रोसेस लग 3 साल तक जारी रहता है। उसके बाद जो लेंटाना की जो ज़मीन है, जो लेंटाना फ्री कराई जाती है, वो समुदाय के हवाले कर दी जाती है।
अब तक मंडला जिले के 200 गांवों में करीब 7000 हेक्टेयर जमीन लैंटाना मुक्त कराई जा चुकी है। जमीन से एक बार लैंटाना हटने के बाद उसके दोबारा आने की बहुत संभावना रहती है, क्योंकि इसका बीज हवा में उड़कर कहीं भी जा सकता है। इसीलिए लैंटाना मुक्त भूमि का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। जब लैंटाना जब सफाई हुआ है तब जो है जाकर के पेड़ भी हम लोग इसमें नियम कानून भी बनाए हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर काट के ले जाता है तो उसको हम 5000 लेते हैं, और जैसे काटते हुए अगर किसी ने देख लिया और हमको बताता है तो उसको 500 इनाम के रूप में देते हैं। तब जाके हमारा ये जंगल जो है बन रहा है, और इसका देख रेख गाँव वाले बड़ी जिम्मेदारी है गाँव के लोग इसका देख रेख कर रहे हैं। लैंटाना पर नियंत्रण के लिए ज़रूरी है कि इसका वैकल्पिक उपयोग हो। भानपुर खेड़ा गांव में किसानों ने लैंटाना की लकड़ी का इस्तेमाल टटिया बनाने में किया है। इसके अलावा कुछ कारीगर लैंटाना की लकड़ी का फर्नीचर भी बना रहे हैं, लेकिन ये अभी बहुत छोटे स्तर पर हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि लैंटाना हटाने का काम मनरेगा के माध्यम से हो तो इसके उन्मूलन में बहुत तेजी लाई जा सकती है।